अहोम साम्राज्य जिसने मुगलों को 17 बार हराया। जब मुगल हिंदुस्तान की गद्दी पर राज कर रहे थे तब तमिलनाडु से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा वंश भी था जिसने मुगलों को एक या दो नहीं बल्कि पूरे 17 बार हराया था। आज भी इतिहास की किताबों में इनका बहुत नाम नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 नावों के दम पर मुगलों की हजारों हजार की सेना को धूल चटा दी थी। जो मुगल सेनापति फिरोज खान उनके राज्य पर कब्जे की गंदी निगाह रखे हुए था, उसे भी इन्होंने अपनी बहादुरी से कैद कर लिया था। 17वीं शताब्दी में मुगलों का सबसे खूंखार बादशाह औरंगजेब पूरे देश में अपना आतंक मचा रहा था। उस समय ब्रह्मपुत्र के उस पार एक ऐसा योद्धा तैयार हो रहा था जो अपने आप में खुद एक सेना के बराबर ही था। इस योद्धा की तलवार में 100 हाथियों का दम था और उसके पास 1000 लोगों के बराबर का दिमाग भी था। मुगलों के काल इस शूरवीर ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर मुगलों की एक चौकी पर हमला कर दिया और कई मुगल फौजियों को अपना बंदी बना लिया। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर अपना हुकुम चलाने का सपना देखने वाले औरंगजेब को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फिर अपनी सेना भेजी, लेकिन इस बार भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा और खुद को शहंशाह कहने वाले औरंगजेब का गुरूर चकनाचूर होकर रह गया। मुगलों की सेना को बार बार हराने वाला ये वंश कोई और नहीं बल्कि असम का महान अहोम राजवंश है। और उस शूरवीर योद्धा का नाम लचित बरफुकान था जिसने मुगलों को ब्रह्मपुत्र पार करने में नाकुचने चबवा दिए और आखिर में उन्हें अपने राज्य में घुसने भी नहीं दिया। मुगलों की नजर असम की उपजाऊ जमीन और यहाँ के जानवरों खासकर हाथियों पर थी। एक बार अहोम राजा ने एक पहाड़ी सरदार को अपने यहाँ शरण दी जिससे मुगल नाराज हो गए और वो असम को अपने कब्जे में लेने का ख्वाब देखने लगे। जब शाहजहां बीमार पड़ा और उसके बेटे आपस में लड़ रहे थे तब उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर अहोम राजा जयध्वज सिन्हा ने मुगलों को असम से खदेड़ कर रख दिया। उन्होंने इन्हें भगाकर गुवाहाटी तक अपना साम्राज्य फिर से स्थापित कर लिया, लेकिन उनकी इस बहादुरी पर औरंगजेब चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने असम को दोबारा हासिल करने के लिए बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को भेजा था। मार्च 1662 में मीर जुमला ने अहोम के समधारा और गढ़गांव पर कब्जा कर लिया, लेकिन सर्दियां आते ही मुगलों की आंखों की नींद भी गायब हो गई क्योंकि उनका दिल्ली से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से मुगल वहां से भाग निकले, लेकिन बारिश के मौसम में एक बार फिर जंग छिड़ी और अहोम हार गए। अहोम राजा जयध्वज को मुगलों ने काफी अपमानित भी किया, यहां तक कि उन्हें अपनी बेटी और भतीजी तक को मुगल हरम में भेजना पड़ गया। इस अपमान की वजह से ही उनकी मौत भी हो गई, लेकिन उनके इस अपमान से अहोम में एक और चिंगारी उबल रही थी। ये चिंगारी अपने सीने में दफन किए राजा जयध्वज के बेटे चक्रध्वज ने अहोम से मुगलों को खदेड़ना फिर शुरू कर दिया। वो मुगलों को दौड़ाते दौड़ाते मानस नदी तक ले गए और जितने भी अहोम सैनिकों को मीर ने बंदी बनाया था उन्हें छुड़ा लिया गया। साथ ही खोई हुई जमीन तक वापस ले ली गई और बाद में जाकर मानस नदी को ही अहोम राज्य की सीमा बना दिया गया। ये हार मुगलों के गाल पर किसी करारे तमाचे से कम नहीं थी, इसलिए मुगल तानाशाह औरंगजेब ने फिर से अपनी सेना भेजी। इस बार हजारों की मुगल सेना अहोम को हथियाने के अपने नापाक इरादे के साथ जा रही थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि अहोम राजा चक्रध्वज की सेना में एक महान योद्धा भी है जिसका नाम लचित बरफुकान है, जो किसी भी सेना के छक्के छुड़ाने के लिए अकेले ही काफी है। मुगलों की हजारों की सेना के सामने लचित ने ब्रह्मपुत्र नदी में सिर्फ 7 नावें उतारी और उन्होंने इन 7 नावों के दम पर मुगलों की सेना को बिखेर कर रख दिया। इस लड़ाई में मुगलों पर आगे नहीं पीछे से भी हमला किया गया। उनका कमांडर मुनव्वर खान मारा गया और मुगल भाग खड़े हुए और आखिर में मुगलों ने अहोम को अपना बनाने का ख्वाब भी छोड़ दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।